गोपाल चंद नेगी, अध्यक्ष हिमाचल किसान संगठन। और जहाँ तक ये किसान आंदोलन का विषय है, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी किसानों पे फोकस किया है, एक शुभ संकेत है। और हम यही अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि किसानों के लिए जो आप प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ये अच्छा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ और आगे के लिए भी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो किसानों के साथ एक सौहार्दपूर्ण तरीके से माहौल बना के बातचीत करें और इसको बातचीत को जो भी है बैठ के मीटिंग में सारे मसलों पे, तीनों बिलों पे चर्चा की जाए। और सरकार, केंद्र सरकार ने जो अभी पहल की है, यदि ये पहल बिल पास होने से पहले हो जाती तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी समस्या का समाधान अब तक हो जाता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि अच्छे माहौल में बात करके जो रोड पे किसान आज आया है, चाहे पंजाब का किसान है, चाहे राजस्थान का किसान है, चाहे हरियाणा का है, चाहे हिमाचल का है, चाहे यूपी का है, वो सभी है तो देश के अन्नदाता, देश के अन्नदाता के प्रति यदि सरकार का रवैया एक अच्छा रहेगा तो मैं समझता हूँ ये सरकार एक अच्छे उसमें अपने आप को कंफर्टेबली महसूस करेगी। और जो किसान इतनी भयंकर सर्दी में जो सड़क में बैठा है, उनके बीवी बच्चों का भी ध्यान किया जाए, क्योंकि किसान अकेला किसान नहीं है, किसान का वो परिवार है, इसी में से देश का जवान है, इसी में से मजदूर है, तो ये सभी किसान की श्रेणी में आते हैं। जैसे पहले शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, तो मैं समझता हूँ कि इस नारे का कुछ मतलब है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि एक अच्छे माहौल में इस किसान आंदोलन को निपटाएं। और मैं ये नहीं बोलता इसमें कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन उस देखना केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस का काम है, ताकि वो जो माहौल बिगाड़े हैं उन पर भी नज़र रखें और एक अच्छे माहौल में किसान को सड़क से जो है उनको घर पहुंचाएं, ताकि इससे जो है एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, उसे छुटकारा मिले। और अंत में यही मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके किसान चैनल से कि आपने एक अच्छी पहल की है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बात केंद्र तक रख रहा हूं, मैं इस आपके चैनल का भी आभारी हूं और आपके से यही आगे के लिए सहयोग की अपेक्षा करता हूं।